हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का बड़ा ही बेसिक टॉपिक, जिसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, हाउ वी फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बड़ी ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको पता भी हो, नहीं पता हो तो भी इसको समझ लो। दोस्तों, ये एक हमारी संख्या है, ये कोई भी हमारा क्या एक नंबर है, 24567। तो दोस्तों, जो डिजिट्स का प्लेस होता है उसके हिसाब से हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये हमें पता है तो हमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट दोस्तों। सो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा है सेवन। सेवन कहाँ पर, कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन को हम कहते हैं वंस। फर्स्ट पोजीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वंस। सिक्स सेकंड पोजीशन पे है, इसको हम कहते हैं टेंस। हिंदी में मैंने ये ब्लू मार्कर से लिखे हुए, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिफ्थ कौन सी पोजिशन पे? थर्ड पोजिशन पे, दैट इज कॉल्ड हैंड्रेड। क्या बोलते हैं? हैंड्रेड। फोर्थ, फोर है फोर्थ पोजीशन पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थाउजेंड से या फिर हजार से कह सकते हैं। टू हमारा कौन सी पोजीशन पे है? फिफ्थ पोजीशन पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेन थाउजेंड से। तो दोस्तों, यह वंस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई बाय द वन, एज इट इज रहेगा, राइट। टेंस का मतलब है टेन। हंड्रेड का मतलब है वन डबल जीरो से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये नंबर। थाउजेंड का मतलब है मल्टीप्लाई बाई वन थाउजेंड। टेन थाउजेंड का मतलब है टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे इस संख्या में टू की वैल्यू क्या है, टू की वैल्यू क्या है, तो जनरल सी बात है, बड़ी कॉमन सी बात है, टू क्या है? 24,000 है, तो मल्टीप्लाई बाई द 10,000, ये इसकी वैल्यू रही, यानी टू इज इक्वल टू 20,000, राइट दोस्तों। ये बेसिक सी चीज है, इसकी आपको पता लग गया होगा कि किसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो अब मैं आप बताता हूं आपको कि व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, राइट दोस्तों। प्लेस वैल्यू क्या होती है? ये वो वैल्यू होती है, इट इज ए डिजिट मल्टीप्लाई बाय प्लेस वेयर इट इज सिचुएटेड। बी ऐसी डिजिट जो किसी भी प्लेस पे सिचुएटेड हो सकती है, वंस पे हो सकती है, टेंस पे हो सकती है, हंड्रेड पे, टेन थाउजेंड, बिलियन, ट्रिलियन, किसी भी पोजीशन पे हो सकती है। तो उसकी जो वैल्यू होगी, जहां वो पोजीशन उसकी सिचुएटेड है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसकी प्लेस वैल्यू, राइट दोस्तों। इसी तरह फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू, फेस हमारा, जैसे हमारा चेहरा ही हमारे को रिप्रेजेंट करता है, तो फेस वैल्यू हम किसे कहेंगे? जो नंबर सिचुएटेड है वही उसकी क्या होगी? फेस वैल्यू होगी। जैसे राइट, जैसे 525 है, तो मैं कहता हूं 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। फर्स्ट डिजिट जो भी होगा दोस्तों, उसकी फेस वैल्यू एज वेल एज प्लेस वैल्यू विल बी सेम रहेगी। ये तो फेस वैल्यू होगी और यही प्लेस वैल्यू। लेकिन ये जो 5 है थर्ड पोजीशन पे, इसकी फेस वैल्यू डिफरेंट, फेस वैल्यू तो क्या रहेगी? सेम रहेगी 5, बट प्लेस वैल्यू विल बी डिफरेंट। दोस्तों, अब हमारा अगली हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों, ये एक संख्या लिखी हुई है मैंने, 76,994, राइट दोस्तों। तो देखो, इसकी फेस वैल्यू निकालते हैं हम, किसकी फेस वैल्यू निकालते हैं? इसमें 6 की फेस वैल्यू निकाल रहे हैं, और 6 की क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया, जैसे कि फेस वैल्यू क्या होगी? इट विल बी एज इट इज, जो डिजिट रहेगी वही रहेगी फेस वैल्यू। अब देखो, प्लेस वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 6। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो, जहां ये सिचुएटेड है, इसकी पोजिशन कहां है? देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो कहां सिचुएटेड है दोस्तों? ये थाउजेंड पे सिचुएटेड है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसको मल्टीप्लाई बाय द 1000, यानी दैट इज इक्वल टू 6000। यही डिफरेंस है दोस्तों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में।
फेस वैल्यू सेम एज इट इज, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, जहां नंबर की पोजीशन है उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 पे है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 100 पे है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 10 पे है तो मल्टीप्लाई बाय द 10, राइट दोस्तों, इसी तरह। लेकिन जो फर्स्ट नंबर रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल बी सेम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल भी क्या रहेगी, सेम रहेगी दोस्तों। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो दोस्तों सो ट्रिक, अगर मान लो आपको ये नहीं पता रहता है, बच्चों आपको ये पता नहीं रहता है कि 1000 है या फिर 10,000 है, फिर मिलियन है, फिर ट्रिलियन है, क्या है, तो दोस्तों उसके लिए क्या है, एक सो ट्रिक, बड़ा इजी सा है सो ट्रिक। एक मैं नंबर लूंगा और उसकी मैं आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। मैंने नंबर ले लिया 3467, ठीक है दोस्तों। अब इसमें फेस वैल्यू निकाल ली हमें और प्लेस वैल्यू, बताओ दोस्तों किसकी निकालते हैं हम, इसमें निकालते हैं 4 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, किसकी, 4 की। तो फेस वैल्यू तो क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, और फेस वैल्यू क्या रहेगी, 4। इससे पहले जितने भी नंबर है दोस्तों, जितने भी डिजिट है, 6 है, 7 है, उतनी ही जीरो इसके आगे हम लगा देते हैं। तो कितने डिजिट है दोस्तों, 6 और 7 यानी 1, 2, 0, तो इट इज 2, इट विल, ये क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी, राइट दोस्तों। इसी तरह मैं एक नंबर और लेके देखता हूं, 6767, ठीक है, इधर इसकी निकालेंगे फेस वैल्यू और इधर इसकी लिखेंगे प्लेस वैल्यू, राइट दोस्तों। तो अब देखो इसमें हमें निकालनी 6 की निकालनी है, तो 6 एज इट इज आ जाएगा, इसके आगे जितने डिजिट है 1, 2, 3 उतने जीरो लग जाएंगे, 1, 2, 3। तो ये बड़ा कॉमन सी ट्रिक है, बड़ी इजी सी ट्रिक है। इसमें आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू कहाँ पे, 100 है, 1000 है, क्या है, राइट दोस्तों। इसी तरह और फेस वैल्यू विल बी द सेम, जो डिजिट है वही क्या रहेगी हमारी, फेस वैल्यू 7680 दोस्तों। इसकी निकालनी हमें क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, एक तो ये ट्रिक है, वंस टेंस हंड्रेड्स, तो मल्टीप्लाई बाय द हंड्रेड्स, 6 मल्टीप्लाई बाय द हंड्रेड, दैट इज 600, राइट दोस्तों। दूसरा ट्रिक हमारी क्या है, 6 लिखेंगे हम एज इट इज और इसका आगे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 0, 0, 600 दोस्तों। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बड़ा इजी सा टॉपिक है ये, हमारी 4 to 6 क्लास में काफी पूछा जाता है और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इसके बेस पे जिस कैसे भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उनके क्या दे सकते हो, जवाब दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।